माय ब्यूटी क्वींस, आज की मेकअप वीडियो में देखेंगे तीज के लिए मेकअप। तीज पर रेड, ग्रीन या येलो साड़ी अगर आप वेयर कर रहे हो तो उसके साथ मेकअप कैसे करें, उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल आज मैं शेयर कर रही हूँ। अगस्त महीने में मैं हमेशा वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल्स शेयर करती हूँ और आज मैं स्विस ब्यूटी के मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ आपके लिए लाई हूँ तीज मेकअप लुक। मैंने स्विस ब्यूटी के 50 से भी ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स ट्राई किए हुए हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको स्विस ब्यूटी मेकअप प्रोडक्ट्स का रिव्यू भी दूंगी, ताकि अगर आपको कुछ भी नया मेकअप का सामान खरीदना है यू शुड नो स्विस ब्यूटी के कौन से प्रोडक्ट आप खरीदो और कौन से प्रोडक्ट कम्प्लीटली अवॉइड कर दो। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं तीज के लिए मेकअप स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल है, तो जिनको सिर्फ मेकअप देखना है वो पहले मेकअप देख लें, और जिनको मेकअप और प्रोडक्ट रिव्यू में इंटरेस्ट है तो वो पूरे वीडियो देखने के लिए एंड तक बने रहे। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तीज के लिए अगर आप ग्लोइंग मेकअप करना चाहते हो तो स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस प्राइमर आप चेक कर सकते हो। इसको उंगलियों के बीच में रब करके फिर चेहरे पर अप्लाई कीजिएगा। ब्लेंड हो जाने के बाद ये चेहरे के ऊपर बहुत खूबसूरत ग्लो देता है। इसमें अलग शेड भी आते हैं, जो शेड मैंने लगाया ये है 01। देन मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी विटामिन सी एंड ई प्राइमर, ये पोर फिलिंग प्राइमर है और इनको मैं उन जगह पर अप्लाई करूंगी जहाँ पे ज्यादातर पसीना आने की वजह से मेकअप कभी कभी फटने लगता है। तो आप इन दोनों प्राइमर को मिक्स करके इस तरीके से लगा सकते हो या दोनों में से कोई एक भी अप्लाई कर सकते हो। आज के तीज मेकअप लुक में मैं सबसे पहले सिंपल आई मेकअप शेयर करूंगी। स्विस ब्यूटी सिलेक्ट कंसीलर आंखों के ऊपर अप्लाई किया है मैंने, शेड है मीडियम, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद स्विस ब्यूटी के पासपोर्ट आई शेडो पैलेट का ये सबसे लाइट मैट शेड ले रही हूँ और इसी के साथ मैं कंसीलर को सेट करूंगी। इसलिए मैं टैपिंग मोशन यूज कर रही हूँ, पहले आई शेडो को कंसीलर के ऊपर प्रेस करते हुए प्लेस कर रही हूँ ताकि जो टैकी और गीला कंसीलर है वो सेट हो जाए, और इसके बाद मैंने आउटर एजेस को ब्लेंड करा है। कम स्टेप्स में आई मेकअप को एकदम शानदार दिखाना है तो एंगल शेप ब्रश के ऊपर मेकअप फिक्सर डाला मैंने, उसको हथेली के ऊपर प्रेस किया, फिर फॉयल शेड पिक किया, दोबारा से उसको हथेली के ऊपर प्रेस किया, और फिर इस एंगल शेप ब्रश की मदद से मैं इस फॉयल शेड को आईलिड के ऊपर प्लेस कर रही हूँ। इस तरह से फॉयल शेड का फॉल आउट कम होता है और आपको एकदम लिक्विड आई शेडो जैसा ही फील आएगा। अब क्योंकि मैंने एंगल शेप ब्रश यूज करा तो इसके पॉइंटी एज की मदद से एकदम कट क्रीज जैसा प्रसाइज लुक देते हुए ये फॉयल शेड मैंने अप्लाई कर लिया है। फिर मैं लगा रही हूँ काजल, और स्विस ब्यूटी का ये काजल वैसे तो पिगमेंटेड है लेकिन आज कलर पे आउट निकल के नहीं आ रहा था, तो मैंने नोटिस करा कि इसको शार्पनिंग की जरूरत है, तो शार्पन करके जब मैंने इसको अप्लाई करा तो पिगमेंट एकदम कमाल का निकल के आया है, और इसी काजल पेंसिल के साथ लगा लेंगे लाइनर। मैं एकदम क्लोज टू द लैश लाइन बहुत ही पतला पतला लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। लैश हेयर में एकदम धीरे धीरे काजल पेंसिल को रब करते हुए आगे आगे मूव कर रही हूँ ताकि लाइनर ज्यादा मोटा भी ना हो जाए और मुझे एक प्रिसाइज एप्लीकेशन भी मिल जाए। अब पता नहीं मेरे मन में ये एक्स्ट्रा स्टेप करने का आइडिया क्यों आया, लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है, मैं तो ये कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ब्राउन मैट आई शेडो लिया एंगल शेप ब्रश के ऊपर और इसके साथ ब्लैक को हल्का सा मैं स्मोक आउट कर दूंगी, जिससे मेरा ब्लैक लाइनर जो मैंने लगाया काजल पेंसिल से वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा और एक सॉफ्ट इफेक्ट आएगा। हरियाली तीज, कजरी तीज या हरतालिका तीज में आप रेड, येलो या ग्रीन साड़ी अगर पहन रहे हो तो किसी भी रंग की साड़ी के साथ ये मेकअप काफ़ी कॉम्प्लीमेंटिंग लगेगा। अब फेस मेकअप के लिए मैंने स्विस ब्यूटी के लिक्विड कंसीलर को पिगमेंटेड एरियाज पर अप्लाई करा, आंखों के नीचे और मुंह के पास के एरिया पर ये कंसीलर मैंने लगाया है। ये है शेड नंबर 06, एक डूई फिनिश वाला कंसीलर है। अब मैं इसको चेहरे पर थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि लिक्विड कंसीलर से अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए हो तो उसको थोड़ी देर लगा के छोड़ देना चाहिए, और उस टाइम को मैं यूज कर रही हूं अपने आईब्रो फिलिंग करने के लिए। आईब्रो फिलिंग में स्विस ब्यूटी की ब्राउ पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूं और ये काफी अच्छा फिनिश देता है। शेड डार्क ब्राउन मैंने यूज करा है, और जब तक मैं आईब्रो फिल कर रही थी तो कंसीलर भी थोड़ा सा सेट हो गया चेहरे के ऊपर, और अब मैं एक फ्लफी ब्रश के साथ इसको ब्लेंड कर लूँगी। आपने देखा ही है स्टार्टिंग में मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस थोड़े से कंसीलर ने ही मेरे चेहरे के ऊपर एक काफ़ी अच्छी फिनिश दी है। मैं टैपिंग मोशन के साथ इस प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आज का तीज मेकअप लुक मैं अपनी सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पे क्रिएट कर रही हूँ, और जब मैं इस वीडियो के बारे में सर्च कर रही थी तो मैंने ऑब्जर्व करा हरियाली तीज, कजरी तीज एंड हरितालिका तीज अलग अलग तीज फेस्टिवल्स हैं जो सावन के महीने में अलग अलग दिनों पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। औरतें फास्ट करती हैं इन दिनों में एंड दे आर कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस डेज। अब मैं पंजाब में पली बड़ी हूँ और वहाँ पर भी तीयों के त्यौहार की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन हमने जो बचपन में सुना है वो यही कि जब जैसे सावन आता है या तीयों का महीना आता है तो जिस लड़की की नई नई शादी हुई हो तो वो सावन
मुंडन काटने के लिए मायके में आती है और वो वहीं रहती है, एंड सम रिचुअल्स आर बीन डन फॉर दैट होल मंथ। और एक और मेरी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करा था कि मैं तीयों के लिए भी मेकअप लुक शेयर करूँ, सो लेट मी नो क्या मैं एक कंप्लीट पंजाबी मेकअप लुक क्रिएट करूँ। आप लोग देखना चाहोगे तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जब तक मैं आपको ये बता रही थी, मैंने अपना कंसीलर पूरा ब्लेंड कर लिया। कंसीलर इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने फाउंडेशन लगाया ही नहीं, और उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का क्रीम ब्लश टैप करते हुए अप्लाई कर रही हूँ। और आँखों के नीचे का एरिया मुझे सेट करना है, और मेरे पास स्विस ब्यूटी का कोई भी कॉम्पैक्ट नहीं है, तो जो मेरा मुझे एक अनदर बजट कॉम्पैक्ट लगा कि हाँ ये यूज़ किया जा सकता है, तो वो मैंने यूज़ कर लिया। बड़े ब्रश के साथ मैं फुल फेस को भी सेट करूँगी, बस जहाँ पे मैंने क्रीम ब्लश लगाया है वो एरिया मैंने छोड़ दिया है, बाकी जगह पे मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर लिया है। ये ज़रूर करना है क्योंकि फास्टिंग के दौरान आप मंदिर जाओगे आओगे तो वी वॉन्ट द मेकअप टू लुक फ्रेश ऑल टाइम। उसके बाद जो क्रीम ब्लश है इसको पाउडर के साथ सेट कर लेना है। मैं यहाँ पे पिंक और पीच दो शेड मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप ग्रीन साड़ी वेयर कर रहे हो, रेड वेयर कर रहे हो, तो आप पीच टच पे अपना मेकअप रख सकते हो, बहुत खूबसूरत दिखेगा। देन मैंने इसी ब्रश के साथ कॉन्ट्रोल शेड पिक करा, और ब्लश लगाने के बाद मैं पीछे से आगे की तरफ उस कॉन्ट्रोल शेड को ब्लेंड कर रही हूँ ब्लश के साथ हल्का हल्का। ये स्टेप बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, अगर आपकी इच्छा हो तो करो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। थोड़ा सा हाईलाइटर लगा रही हूँ, और ये जो पैलेट मैंने यूज़ करा यह है स्विस ब्यूटी प्रो ब्लश हाईलाइट पैलेट। देन ब्लश वाले एरिया पर भी मैंने थोड़ा सा पाउडर टैप करके अप्लाई कर लिया है, और मैंने लोअर लैश लाइन पर कोई शेड नहीं लगाया था, तो उसके लिए दोबारा से मैंने वही शेड पिक करा जो आईलेट पर अप्लाई करा था, तो इसको मैं लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई करके ब्लेंड कर रही हूँ। और अब मैं ऐड कर लूँगी मस्कारा, ये है स्विस ब्यूटी का प्रिसीजन लैश लॉन्ग लैश मस्कारा, बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका, और ये अफोर्डेबल मस्कारा है। अगर आपको तीज के लिए कुछ नया मेकअप का सामान खरीदना है तो आप नायका पे चेकआउट कर सकते हो, मैं सारे प्रोडक्ट के लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिप्स को लाइन करने के लिए मैंने आईब्रो पेंसिल यूज़ करी, और स्विस ब्यूटी की मैटी कैट क्रेयॉन लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ रेड शेड में। मुझे रेड कुछ ज़्यादा ब्राइट लग रहा था, तो मैं स्विस ब्यूटी की होल्ड मी मैट लिक्विड लिपस्टिक जो एक न्यूड शेड की है उसको रेड के साथ मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ। रेड लिपस्टिक लगाने के मैंने काफ़ी सारे हैक शेयर करे थे, तो अगर आपको वो देखने हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा। और ये मेरा फाइनल कंप्लीट मेकअप लुक, मैंने डबल नेकलेस लेयर करा है, बिंदी भी मैंने खुद कस्टमाइज करी है, यहाँ पे तीन तीन बिंदियाँ मिक्स करके ये लुक मैंने बिंदी का क्रिएट करा है। बाल मैंने खुले छोड़े हैं, बीच में मैंने जूड़े वाला हेयर स्टाइल भी क्रिएट करा था, नोज पिन भी ऐड करा था। लेट मी नो कौन सा लुक आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है। सो तीज में ग्रीन साड़ी के साथ, रेड येलो या पिंक साड़ी के साथ अगर आपको मेकअप करना है तो आज के मेकअप के स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हो। और अब मैं जल्दी से शेयर कर रही हूँ स्विस ब्यूटी मेकअप प्रोडक्ट्स का रिव्यू। पहले बात करते हैं प्राइमर की, मेरे पास तीन प्राइमर्स हैं। स्विस ब्यूटी रियल मेकअप बेस एक हाइलाइटिंग प्राइमर है जिसमें आपको डिफरेंट शेड भी मिलते हैं, ग्लोइंग मेकअप बेस के लिए अच्छा है। देन आई हैव स्विस ब्यूटीज पोर फिलिंग प्राइमर। ये दोनों प्राइमर काफी हद तक एक जैसे ही हैं, बस इनका नाम अलग अलग है। जिस तरह से स्विस ब्यूटी ने लास्ट टाइम स्विस ब्यूटी क्रेज प्राइमर लॉन्च करा था, क्रेज प्राइमर और ये वाला जो इनका विटामिन सी एंड ई प्राइमर है ये भी काफी हद तक सेम ही है, इनके इंग्रेडिएंट भी सेम है, टेक्सचर फॉर्मूला सब एक जैसा ही लगा था मुझे। तो अगर आपको स्विस ब्यूटी का कोई पोर फिलिंग प्राइमर लेना है तो आप कोई भी एक प्रोडक्ट ले सकते हो, एंड इफ यू वॉन्ट अ हाइड्रेटिंग वन और इल्यूमिनेटिंग वन देन आप ये वाला खरीद सकते हो। स्विस ब्यूटी ने आई बेस के लिए आई प्राइमर भी लॉन्च करे थे, जिसमें एक है ये आई प्राइमर फोकस एंड स्टे, और दूसरा है स्विस ब्यूटी HD आई मेकअप बेस। इन दोनों प्रोडक्ट को बिल्कुल मत खरीदेगा, ये दोनों कुछ भी नहीं करते, ये वाला तो खास करके कुछ भी नहीं करता, ये ऐसा लगता है कि जैसे एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर हो, एंड इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट, इट डू नथिंग एज आई बेस, और ये एक कलर टिंटेड आई बेस है। इससे बेटर मुझे लगता है कंसीलर इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके पैसे भी बच जाएंगे और एक प्रोडक्ट मल्टीपल वे में यूज हो जाएगा। देन अगले हैं मेरे पास स्विस ब्यूटी के कंसीलर्स। मेरे पास तीन अलग तरह के कंसीलर हैं। सबसे पहले है स्विस ब्यूटी के ये लिक्विड कंसीलर जो मैंने सबसे पहले ट्राई करे थे, शेड नंबर 06 मेरी स्किन के साथ परफेक्टली मैचिंग है। ये कंसीलर ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, एक ड्यूई फिनिश देते हैं, कवरेज इनकी मीडियम है, पिगमेंटेशन को भी अच्छे से कवर करते हैं, और इसीलिए मैंने इसमें एक कलर करेक्टर शेड भी खरीदा, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। समहाउ ये पिगमेंटेशन को उतने अच्छे से कवर नहीं करता जितना स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर शेड नंबर 06 करता है। सो मैंने सबसे ज्यादा यही प्रोडक्ट यूज करा, शेड नंबर 03 एक लाइट शेड है तो इसलिए मैं इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाई हूँ। देन है मेरे पास स्विस ब्यूटी का कवर एंड हाइड कंसीलर, और ये प्रोडक्ट पता नहीं उन्होंने क्यों लॉन्च करा और मुझे भी याद नहीं, पता नहीं मैंने इसको खरीदा ही क्यों।
स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर इस कंसीलर के मुकाबले काफी बेहतर है, तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगी, इसको आप स्किप कर सकते हो। देन नेक्स्ट है स्विस ब्यूटी सिलेक्ट का न्यू लॉन्च कंसीलर, दिस इज हाई ऑन कवर लिक्विड कंसीलर। और अगर मैं इसको पुराने स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर के साथ कंपेयर करूं, देन आई डू फील लाइक कि डेफिनेटली इसकी कवरेज उसके मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। इट्स लाइक वो सेम प्रोडक्ट लेकिन उसको थोड़ा और बेटर कर दिया स्विस ब्यूटी ने, एंड देन दे ब्रिंग अस दिस स्विस ब्यूटी सिलेक्ट हाई ऑन कवर कंसीलर, जिसका प्राइस भी पहले कंसीलर से ऑलमोस्ट दुगना है, बट इसमें डेफिनेटली कवरेज ज्यादा मिलती है। मुझे इसका फॉर्मूला भी काफी अच्छा लगा, स्टे बहुत बढ़िया है। आई थिंक दिस वन विल सूट ऑल स्किन टाइप। नाउ स्विस ब्यूटी ब्रांड अपने अफोर्डेबल बजट आई शेडो पैलेट्स के लिए भी काफी फेमस है, ये बहुत वैरायटी लेके आते हैं और नए नए पैलेट्स लॉन्च करते रहते हैं। जैसे कि स्विस ब्यूटी का ये अल्टीमेट आई शेडो पैलेट आई थिंक द मोस्ट वायरल आई शेडो पैलेट है बजट प्राइस में, जिसमें आपको डिफरेंट कलर वेरियंट्स के ऑप्शन भी मिलते हैं। मेरा तो खुद ये दूसरा पैलेट है, मैं इसको इसका आई थिंक 02 वेरिएंट पहले यूज कर चुकी हूँ, ये है 05। फाइव स्विस ब्यूटी पासपोर्ट आई शेडो पैलेट। नाउ ये 350 से 500 रुपए तक के प्राइस में है, सो आई वोंट से कि ये मस्ट हैव है, ये बस एक एक्स्ट्रा कलेक्शन है अपने आई शेडो रेंज में ऐड करने के लिए। सो प्राइस के हिसाब से अगर आप चाहो तो इनको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है स्विस ब्यूटी सिलेक्ट का ये पैलेट, जिसमें कि आई शेडोज के साथ आपको ब्रॉन्जर और ब्लश शेड भी मिलता है। नाउ स्विस ब्यूटी सिलेक्ट रेंज में आपको अंडर ₹500 में भी दो डिफरेंट आई शेडो पैलेट्स का ऑप्शन अवेलेबल है, और ये थोड़ा ज्यादा ही महंगा है। वो वाला इसीलिए नहीं खरीदा क्योंकि उसके शेड मुझे काफी हद तक स्विस ब्यूटी के इस पासपोर्ट पैलेट के साथ मिलते जुलते ही लग रहे थे। तो जब मैंने ये खरीदा और इसको ट्राई करा तो इसके जो फॉयल शेड्स हैं उनका भी जो टेक्सचर है वो काफी हद तक इसके फॉयल शेड जैसा ही है। तो अगर आपके पास ये वाले पैलेट ऑलरेडी हैं, तो अगर आप नई स्विस ब्यूटी सिलेक्ट रेंज के आई शेडोज ना भी खरीदो, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। नेक्स्ट है स्विस ब्यूटी के लिक्विड आई शेडो एंड फॉयल पिगमेंट, ये दोनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट आपकी वैनिटी में जरूर होना चाहिए। अब आ रही है फाउंडेशन की, मेरे पास है स्विस ब्यूटी के 4 डिफरेंट फाउंडेशन। सबसे पहले है स्विस ब्यूटी हाई कवरेज वाटरप्रूफ फाउंडेशन, इसका फुल रिव्यू है मेरे चैनल पे, तो आप वहां पे जाके इसको देख सकते हो। देन आई हैव स्विस ब्यूटी एयरब्रश फिनिश फुल कवरेज फाउंडेशन, इसमें है शेड 05 जो मेरी स्किन के साथ परफेक्टली मैचिंग है। ये काफी हाई कवरेज देने वाला लाइट वेट फाउंडेशन है, इसके साथ मैंने मल्टीपल मेकअप लुक्स क्रिएट किए हुए हैं, स्पेशली पार्टी मेकअप्स के लिए आप इस फाउंडेशन को चेक कर सकते हो। देन आई हैव स्विस ब्यूटी प्राइमर मूज फाउंडेशन, इसमें काफी कम शेड आते हैं लेकिन रोजाना मेकअप के लिए सही है अगर आपको अपनी स्किन के साथ मैचिंग शेड मिल जाए तो। एंड लास्ट वन आई हैव स्विस ब्यूटी सैटिन फिनिश फाउंडेशन स्टिक, जो अभी तक मैंने ट्राई नहीं करा। आईब्रो फिलिंग के लिए मैंने स्विस ब्यूटी के 2 प्रोडक्ट ट्राई करे और ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। स्विस ब्यूटी के फेस पैलेट्स में से कौन सा फेस पैलेट सबसे अच्छा है? सबसे पहले है ये हाइलाइटिंग फेस पैलेट, ये आप ले सकते हो, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ये मैंने बहुत बार नायका सेल में आप लोगों को रेकमेंड करा है, बीच में ये आउट ऑफ स्टॉक था बट रिसेंटली मैंने चेक करा, अभी एट प्रेजेंट नायका पर ये अवेलेबल है और ये मैं बहुत ज्यादा रेकमेंड करती हूँ क्योंकि इसमें आपको अलग शेड वेरिएशंस मिलते हैं, आपको लाइट से डीप शेड भी मिलते हैं, हाइलाइटिंग के लिए भी 2 शेड ऑप्शन मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी का मिरर मिलता है और सिर्फ अंडर ₹500 का ये फेस पैलेट है, एंड आई रियली रेकमेंड दिस वन। इसके होते हुए मैंने स्विस ब्यूटी का ये चिकाबू पैलेट भी खरीदा था, ये आई थिंक कुछ 350 के प्राइस का था, बट आई डू फील लाइक अगर मुझे एक ही पैलेट रेकमेंड करना हो तो मैं यही वाला करूंगी, ये मैंने पता नहीं क्यों खरीदा था, बट स्टिल दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट यूज्ड पैलेट। मस्कारास में मैंने स्विस ब्यूटी के ये 2 मस्कारा ट्राई किए हुए हैं, सबसे पहले है स्विस ब्यूटी का क्रेज डुओ मस्कारा, ये आप स्किप कर सकते हो, इट डजंट डू मच और बहुत जल्दी ये प्रोडक्ट ड्राई आउट हो गया था। देन अभी करंटली मेरे पास है स्विस ब्यूटी का ये प्रिसीजन थिकनिंग लॉन्ग लैश मस्कारा, ये एक्चुअली लैशेस में लेंथ ऐड करता है, स्टे बहुत अच्छा है, एंड दिस इज द वन यू कैन ट्राई। स्विस ब्यूटी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो अगर आप नहीं भी खरीदोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि ये कलरफुल आईलाइनर जो सिर्फ मैंने वीडियोस क्रिएट करने के लिए ही लिया था, बट डेली लाइफ में मुझे इसका कुछ ज्यादा यूज समझ आता नहीं है। देन स्विस ब्यूटी के ये पॉप आई स्टाइल आईलाइनर, ये मेरे पास ब्लू में भी है, ग्रीन में भी है, ब्लू वाला बिना यूज किए ही ड्राई हो गया। स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं, स्पेशली देयर लाइनर्स एंड देयर मस्कारास, और ग्रीन वाला भी जो है ये भी मतलब इतना कुछ खास मस्ट हैव प्रोडक्ट नहीं है, इसके बिना भी आप सर्वाइव कर सकते हो। देन स्विस ब्यूटी के ये लिप एंड चीक टिंट पिगमेंट तो अच्छा है, बट इसकी खुशबू बहुत ही ज्यादा सरदर्द देती है, अगर आप उसको इग्नोर कर सकते हो, और लिप एंड चीक की कैटेगरी में अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप इसको चेक कर सकते हो, बट आई वोंट से दिस इज अ मस्ट हैव, ये
ऐसे एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, अगर आपको रखना है तो रख लो। नाउ स्विस ब्यूटी का ब्लैक काजल आज मैंने यूज करा है एंड द पिगमेंट इज रियली गुड, लेकिन अगर आपको कलरफुल जेल काजल पेंसिल चाहिए तो स्विस ब्यूटी में आपको बहुत ही प्यारे शेड्स मिलते हैं। रॉयल ब्लू शेड मेरा फेवरेट शेड है, अगर आपको रॉयल ब्लू काजल खरीदना है जेल काजल पेंसिल में तो आप स्विस ब्यूटी की ये काजल पेंसिल खरीद सकते हो, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। स्विस ब्यूटी की इतनी सारी लिपस्टिक्स है मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है लिपस्टिक्स के लिए तो एक अलग वीडियो होना ही चाहिए। लेट मी नो आप लोगों का क्या कहना है। आज का वीडियो जिसमें तीज मेकअप लुक के साथ मैंने स्विस ब्यूटी के 50 मेकअप प्रोडक्ट्स का रिव्यू आपके साथ शेयर करा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और अभी अगर आपको स्विस ब्यूटी का कोई भी नया मेकअप प्रोडक्ट खरीदना है यू कैन रेफर माय वीडियो एंड टेक योर ओन डिसीजन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।